अपने मम्मी को खो दिया था, मैं काफ़ी बचपन में ही, लेकिन फादर मेरे साथ में थे, सवे नहीं थे, फादर काफ़ी ड्रंकर थे, उन्होंने मुझे बेलगाम कर्नाटक करके एक एरिया सिटी है वहाँ पर बस स्टॉप पर छोड़ दिया। दो साल मैंने वहाँ पर भीख मांगा। आई कांट रिमेम्बर स्किपिंग रॉक्स ऑन द पॉन्ड, माई चाइल्डहुड्स फॉरगॉटन, माई चाइल्डहुड्स लॉस्ट। थोड़ा सा टपरी पे काम पे लगा, चाय टपरी पे, उधर मैंने बाजी कटिंग कैसे करते वो सीख लिया। उसके बाद मैं एक बड़ा होटल में काम पर लगा, उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे पर कि मैंने वहाँ का पैसा चोरी किया। मुंबई आने के बाद एक साल की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे दोस्त लोग बताते थे कि चाइल्ड लाइन में फ़ोन करेगा ना तो लोग तेरे लिए मदद के लिए आए। 1098 वो चाइल्ड लाइन का नंबर है बच्चा को। क्या है, छोटे छोटे बच्चे लोग को भी मालूम है 1098 पे फोन करेंगे तो अपने को कोई ना कोई। कौन सेवा है, ये सेवा मुसीबत में फंसे हुए बच्चों की मदद के लिए। फोन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, बट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग फॉर अस इज टू मैरी द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड द व्हाट children need it for. An ownership-driven service from everybody. Mm-hmm. It's the government, it's the police, it's the health department, the transport, really pulling in all of this together that the service actually works. And the front line to it, the front access to it, the one window to it is the 1098 or the Das Nawat service. एक दिन मैं काफी बीमार था और 1099 पे मैंने कॉल किया तो मेरे को चाइल्ड लाइन मेंबर आया मुझे देखकर ऑटो से गिरा, गाड़ी से गिरा था तो मेरा टांग फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा कोई मदद भी देख नहीं करता था। तो मैं जब पोस्टर पे देखा था 1098 तो फिर मैं उधर से कॉल किया उनको, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बच्चे कैसे मदद करते हैं ऐसे करते। तो मैं बोला दीदी मैं मुंबई सेंटर में हूँ, प्लीज मेरे को कोई मदद ही दे, तो उन्होंने मेरा मदद किया। ऊपर से गिर गया था तो मेरे पैर पे लग गया था, तो उसमें चाइल्ड ने बहुत हेल्प किया। मेरे को सड़क पर नहीं जाना है, मेरे को वापस सोसाइटी में रहना है, ऐसा मैंने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया कि आप रह सकते हो। लॉट ऑफ आवर चिल्ड्रन हु वी हैव इंटरवीन्ड इन आर आल्सो रनिंग आवर फॉर थिंग यू नो मैंडेट दैट यू नो वी वांट देम टू कम इनटू द सर्विस बिकॉज दे अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद the kind of intervention that they did. So nothing like them who would intervene. So they work with us for a couple of years, they get empowered, they realize their worth, they move on into other things. Childline, जब मैंने कॉल किया था तो मैं एक बच्चा बन के कॉल किया था और मुझे वहाँ से हेल्प मिली थी, और वो मैं कहीं पर भी कहीं तो मैंने याद रखा था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मैंने अभी मेरे को लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ। और Now at present I'm working under Sachwala India Foundation and I earn per month 7,300 rupees at present, and I'm working as a team coordinator. हम किसी से कम नहीं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं चाइल्ड लाइन में कॉल करता था, आज मैं उसी चाइल्ड लाइन का एक फैमिली मेंबर हूँ।